अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायर ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे, 6 कंपैरेटर्स हमने देखे थे पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में जो कंपैरेटर्स बचते हैं वो देखेंगे। आज वाली वीडियो में जो कंपैरेटर्स हम सीखेंगे वो हैं इन रेंज, आउट रेंज, ओके और नॉट ओके। तो ये पोर्टल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहले हम ऑनलाइन मोड पे चले जाते हैं। पहला जो कंपैरेटर वो है इन रेंज कंपैरेटर। इन रेंज कंपैरेटर्स 3 वैल्यूज लेता है, एक होती है मिनिमम वैल्यू, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो एक होती है जो हम इनपुट पे वैल्यू दे रहे होते हैं। इन रेंज जैसे कि नाम से जहर है कि जब हम जो वैल्यू पे हमारी जो इनपुट आ रही होगी, अगर वो जो हमने रेंज यहाँ पे सेट की होगी मिनिमम और मैक्सिमम जो हमने सेट की होगी, अगर वो जो MW14 है अगर उसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होगी, उसकी रेंज में होगी, तब हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इस तरह इन रेंज कंपैरेटर्स है। इसको हम पहले फॉर्म करके देखते हैं। अब पहले इनिशियल कंडीशन पे MW14 पे क्या है, 0 है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में नहीं है, तो हमारे आउटपुट क्या है, 0 है। अब मैं इसको जैसी जैसी MW14 10 और 50 के दरमियान में आएगी तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई ऑपरेंड से मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। वहाँ पे हमने 10 से 15 इसकी रेंज रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ इसे। हम जैसे ये 20 हुई तो हमारी आउटपुट क्या हो गई है, ऑन हो गई है। अब मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ इसकी वैल्यू। मैं इसको मॉडिफाई पे जाके यहाँ से इसको, वहाँ पे मैक्सिमम हमारी 50 थी तो मैं यहाँ इसको 60 कर देता हूँ। जैसे ये 60 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। एक और बात भी याद रखें कि यहाँ पे मैंने जो इसको वैल्यूज दे रहा हूँ इनपुट पे, वो है इंटीजर में वैल्यूज। अगर आप यहाँ से के और वैल्यू रियल वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे फिर MD यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये दूसरा कंपैरेटर वो है आउट रेंज। ये बिल्कुल अपोजिट है इन रेंज कंपैरेटर्स के। जैसे जो हम इनपुट पे MW, यहाँ पे मैंने MW16 यूज़ किया हुआ है, तो जैसे इसकी वैल्यूज इसकी रेंज से बाहर होगी, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज से बाहर होगी, तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जैसे कि इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि MW16 मेरा 0 है और मिनिमम मैंने 100 सेट किया हुआ और मैक्सिमम 200 सेट किया हुआ है, और 0 क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है तो हमारा आउटपुट उसने क्या कर दिया, ऑन किया हुआ उसने। तो मैं इसको पहले 100 से कम कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, ऑलरेडी वो 0 है तो मैं इसको कर देता हूँ, इसके बीच में कर देता हूँ, मैं इसको 150 कर देता हूँ। अब जैसे 150 हुआ तो हमारी आउटपुट क्या होगी, ऑफ हो गया है। अब क्योंकि इसकी रेंज में आ चुकी है 150, 100 और 200 की ये रेंज में है 150, तो ये क्योंकि कमांड है आउट रेंज की, तो जैसे इसके आउट रेंज में कोई वैल्यू की तब जाके ये हमारे आउटपुट को ऑन कराएगा। अब मैं इसको वैल्यू इसको अब मैं इसकी वैल्यूज को मैक्सिमम से बढ़ा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 210 कर देता हूँ। अब जैसे 210 हुआ तो इसकी रेंज से बाहर हुई वैल्यू हमारी, तो आउटपुट क्या होगी, ऑन होगी। ये था आउट रेंज कंपैरेटर। उसके बाद जो कमांड्स आती हैं वो हैं ओके और नॉट ओके। ओके जो वैल्यूज लेता है वो लेता है रियल में। अगर आप कर्सर को इस पे लेके जाएंगे टैग पे तो आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, रियल में होंगी, और उसको एड्रेसिंग होगी वो MD है। MD मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, MD18 लिखा हुआ है, तो वो एड्रेस बता रहा है उसका, और साथ में बता रहा है कि वैल्यूज आप इसको रियल में दे सकते हैं। ओके कंपैरेटर्स इस तरह वर्क करता है कि जैसे इस पे कोई वैल्यूज रियल वैल्यू होगी तो तब ही हमारी आउटपुट को ऑन कराएगा। इस तरह ओके ओके कंपैरेटर्स होता है कि अगर वैल्यूज में रियल में होगी, रियल को हम फ्लॉट वैल्यू भी कहते हैं,
एम डी 18 पे अगर रियल वैल्यूज आ रही होंगी तो तब वो हमारी आउटपुट क्या रखेगा, ऑन रखेगा। अगर जैसे वो रियल नहीं आएगी तो हमारा आउटपुट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। और नॉट ओके का इसका ओके का अपोजिट है, मैंने वही एड्रेस सेम एड्रेस इधर यूज किया हुआ है। जब ये रियल होगी वैल्यू तब इसको ऑन कर देगा, जब रियल नहीं होगी वैल्यू तब ये वैल्यू आउटपुट हमारी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। मैंने यहाँ पहले इसको हम दे देते हैं यहाँ से मॉडिफाई पे जाके, यहाँ पे रियल और फ्लॉट वैल्यू सेम होती है, दोनों का साइज सेम होता है। यहाँ से इसकी यहाँ पे जो वैल्यू आप मॉडिफाई वैल्यू में आप जो वैल्यू पुट करना चाहते हैं, जिस टाइप की पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फर्ज के मैं हेक्स टाइप की सिलेक्ट करना चाहता हूँ। हेक्स होते हैं हेक्साडेसिमल, यानी तो हेक्साडेसिमल में आप करेक्टर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे करेक्टर दे देता हूँ डी। अब जैसे मैंने डी किया है यहाँ पे पुट किया है तो हमारा आउटपुट क्या होगी, ऑफ हो गया। ये ओके यानी ओके नहीं है, यानी ये वैल्यू हमारी क्या है, रियल नहीं वैल्यू है। तो उसने हमारा आउटपुट क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और नॉट ओके वाली को ऑन कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इसको वैल्यू दोबारा चेंज करता हूँ मॉडिफाई पे जाके, मैं इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लॉट सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस में वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे 0.4 देता हूँ, 3.4 दिया मैंने। तो क्योंकि ये फ्लॉट में वैल्यू है तो हमारी और क्या कर देगा, वो ऑन कर देगा, यानी ये वैल्यू हमारी फ्लॉट में है, रियल वैल्यू है, तो हमारा आउटपुट क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि हमने वैल्यू दिया है रियल वैल्यू दी है। रियल में पॉइंट्स भी आ जाते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आती हैं और माइनस वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं। अब मैं इसको चेंज करके यहाँ से मैं डेसिमल में या फिर बन या फिर यहाँ से करेक्टर टाइप है, मैं करेक्टर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से हम ऑक्टल में वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 0011001, क्योंकि ऑक्टल 8 बिट होता है, तो यहाँ पे मैंने 8 बिट में एक वैल्यू दे दिया है। अब जैसे किया है तो उसने क्या कर दिया है, नॉट ओके को ऑन कर दिया, यानी कि हमने जो वैल्यू यहाँ पुट किया है ये रियल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, हमारे आउटपुट को ऑफ कर दिया है। नॉट ओके के आउटपुट को ऑन कर दिया, यानी हमारी जो वैल्यू दी है वो रियल नहीं है। अब मैं इसके अलावा एक और हम टाइप देख लेते हैं, यहाँ फिर दोबारा फ्लॉट कर लेते हैं। फ्लॉट में अब इसको वैल्यू दे देते हैं 44.04। ठीक है, अब क्योंकि 44.04 जो है वो रियल है फ्लॉट में, यानी पॉइंट्स में भी है, तो रियल वैल्यू पॉइंट्स में भी होती है, तो उसने आउटपुट क्या कर दिया, ऑन कर दिया है। मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ, यहाँ से मुझे वैल्यू, अब मैं चेंज करके इसको बाइनरी में वैल्यू दे देता हूँ। बाइनरी में इसको दे देता हूँ 1 दे देता हूँ। बाइनरी चूँकि फ्लॉट नहीं है, यानी रियल वैल्यू नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।